वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, करेंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूँ करेंट अफेयर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बदले गए नाम। यह एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है जहाँ से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक से दो प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा रहा है। तो आज के बाद आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एयरफोर्स का, चाहे नेवी का, एसएससी जीडी का या रेलवे का, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा एग्जामिनेशंस में। मैं सभी चुनिंदे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग इसे ईजिली डाउनलोड कर सकेंगे और इसे रीड कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 56 बदले गए नामों को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और जितने भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं, आप लोग इस वीडियो को देख कर ही एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ये जरूर आएगा किसी न किसी शिफ्ट में एसएससी जीडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है अभी वर्तमान में? तो कर्तव्य पथ हो गया है दिल्ली राजपथ का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या रखा गया है? तो राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना है। इससे पहले क्या थी? तो नूर सुल्तान थी और उससे पहले अस्ताना ही थी, तो उसी अस्ताना को फिर से अभी नया राजधानी बनाया गया है। कजाकिस्तान की नया राजधानी बना है अस्ताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी अभी बन गया है नुसंतारा, ठीक है, संतारा, और पहले इसकी राजधानी थी जकार्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्की देश का नया नाम क्या है? तो देखिए तुर्की कर दिया गया, ये केवल जोड़ दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। और देखिए बात करूँ तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो अंकारा है, ये कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है? तो मेटा रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम क्या रखा गया है? तो एम पॉक्स रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम पीएम पोषण योजना रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिजन शब्द की जगह नया नाम क्या रखा गया है? हरिजन शब्द का जो शब्द था इसके जगह पर डॉक्टर अंबेडकर रखा गया है नया नाम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम क्या हो गया है? तो सुंदर भारत हो गया है। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या हो गया है? तो अटल सुरंग हो गया है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? तो स्वराज द्वीप हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ का नया नाम क्या हो गया है? तो आरपीएफएस हो गया है। रेलवे ट्रेन गार्ड का नया नाम क्या हो गया है? तो ट्रेन मैनेजर हो गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा ट्रेन गार्ड का नया नाम ट्रेन मैनेजर हो गया है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नया नाम क्या है रखा गया है? तो संभाजी नगर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नया नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नया नाम। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये, मतलब ये इंग्लैंड में भारतीय खिलाड़ी का नाम रखा गया, तो बहुत गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थित किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुत मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के पताल
पताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो टंटिया भील रेलवे स्टेशन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या हो गया है? तो सुषमा स्वराज भवन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेश सेवा संस्थान का नया नाम क्या हो गया है? तो सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स ये, तो शिक्षा मंत्रालय हो गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम है। मोटेरा स्टेडियम, जिन्हें सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका नया नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिब्रा का नया नाम क्या है? तो डाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपने राष्ट्रगान को बदलाव किया है? तो अपने राष्ट्रगान में बदलाव करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एयरलाइन कंपनी गो एयर का नया नाम क्या हो गया है? तो गो फर्स्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया है चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया टीवी चैनल बनाया गया, उसका नाम क्या हो गया है? तो संसद टीवी रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। टाटा स्काई, जो हम लोग घर पे लगा के देखते हैं, टाटा स्काई का नया नाम क्या है? टाटा प्ले है। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण है ये भी, सेना खेल संस्थान जो पुणे का खेल संस्थान है का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। काकोरी कांड का नया नाम क्या हो गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शंस हो गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये, काकोरी कांड का नया नाम क्या हो गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम हो गया है क्या? बदलाव। अब देखिए, मैंने डिस्कस किया था ट्रेन गार्ड का नया नाम क्या है? ट्रेन मैनेजर। नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या हो गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या है? अयोध्या कैंट रखा गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन हो गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। ड्रैगन फ्रूट जो गुजरात का है, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो कमलम फ्रूट हो गया है। नील द्वीप का नया नाम क्या है? तो शहीद द्वीप है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? तो डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ का नया नाम क्या हो गया है? तो हरिगढ़। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? बनारस। रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग बार बार इसे देखते रहिएगा, वीडियो को माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस एयरपोर्ट का नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज, केवल जोड़ दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। मैं सभी पुराने नए सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? महायोगी गोरखपुर एक एयरपोर्ट हो गया है। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी पहले चेंज हुआ था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। आगरा एयरपोर्ट का क्या नाम रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? प्रयागराज। तो ये 56 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं आपको बोला था कि आज PDF प्रोवाइड करूंगा सभी टॉपिक वाइज, तो देखिए ये तो मैं अभी कराया बदले गए नाम टॉपिक को। इससे पहले मैं आप सभी को बुक एंड ऑथर्स टॉपिक्स को क्लियर कराया था। ये सभी जितने भी 13 पेज का ये PDF है देख सकते हैं,
13 पेज का पीडीएफ है ये, आज आपको सभी में बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। इससे पहले मैं आपको कवर किया था सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ठीक है। जितने भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं आप लोग इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़िएगा। पुरस्कार एवं सम्मान टॉपिक को क्लियर किया हूँ, काफ़ी वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में, और जितने भी नए नियुक्तियाँ हुई है उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, देख सकते हैं वर्तमान में कौन क्या है। उसके बाद जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुरस्कार विजेता ये सभी हैं सबको यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप लोग सिंपली सर्च कीजिएगा एसएस डिफेंस एकेडमी, ठीक है, तो आपको वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो सेशन के एंड होने के बाद ये 13 पेज का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।